हुआ कृष। खत्म हुई सुहाग की लड़ाई। सौतनों की जिंदगी में नया ट्विस्ट। कलर्स के सीरियल सुहागन में आज बिंदिया, पायल और कृष तीनों का अंदाज ही बदल गया है। बिंदिया का बेटा भी आ गया है। ये देखकर आप यही सोच रहे होंगे ना कि ये लीप की कहानी है। वैसे बता दे, ये लीप नहीं, फ्लैशबैक सीन है। आज बिंदिया बिंदिया नहीं बल्कि दुर्गा है, वो दुर्गा जो कृष की दादी है। पायल है कावेरी जो असल में दुर्गा की सौतन है, और कृष खुद बन गया है अपना दादाजी यानी कि मनोहर। और फिर से दोहराई जा रही है दादी की जिंदगी की कहानी, जिसने कृष की दादी को कर दिया था पागल। तूने हमें इस घर से निकाला था तो अब कान खोल कर सुन ले, अब ये घर हमारा है और मनोहर जी हमारे सुहाग हैं। तो अब हम तुझे इस घर से निकालेंगे। हम अभी फ्लैशबैक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस को कि दादी आती है कुछ टाइम पहले हमारे घर में, जो कि पागलखाने से भाग करके आती है। तो उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ होता है पास्ट में। तो ऑडियंस एक ये सस्पेंस में थी आज तक, जिनको ये नहीं पता था कि हुआ क्या था एक्चुअली, उनके साथ क्या हुआ था। तो हम वही फ्लैशबैक में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिंदिया बन गई है दुर्गा, और पायल बन गई कावेरी, और मैं बना हूँ मनोहर। मैं प्ले कर रहा हूँ बेसिकली। हम बने नहीं हैं, कोई किसी का बन के कोई नाटक नहीं कर रहे। फ्लैशबैक ऑडियंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली हमारी जो अम्मा हैं उनकी पास्ट लाइफ में हुआ क्या था, कितना दर्दनाक कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण उनकी हालत ऐसी हो गई। असल ट्विस्ट तो इसी सीन के बाद आया था जब दुर्गा के बेटे को चोट लग गई। ऐसे में दुर्गा गुस्से से बौखलाई, हाथों में बंदूक लिए पहुंच गई कावेरी को खत्म करने के लिए। लेकिन कावेरी वो भी बिल्कुल पायल जैसी निकली, बहुत ही शातिर। जरा देखिए कैसे उसने मनोहर के सामने ड्रामा रचना शुरू कर दिया कि दुर्गा उसे मारने की कोशिश कर रही है। मारेगी तो हमें, बंदूक चलाएगी हम पर, हाँ? चला बंदूक, मार हमें, घूर क्या रही है, मार हमें। ऐसे में मनोहर आके अपनी कावेरी को बचाने के चक्कर में खुद फना हो जाते हैं। दुर्गा, अंदाजा भी है तुम्हें, अगर गोली गोली चल गई तो क्या होगा? छोड़ बंदूक। आप दोनों ने हमारे और हमारे बेटे के साथ कहा छोड़ो बंदूक, हम नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं सोचना है हमें, छोड़ो बंदूक। हमारे बेटे पर हाथ उठाया, हमने कहा छोड़ो बंदूक दुर्गा, हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे, हमने कहा छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ो बंदूक, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ो, नहीं, छोड़ो, नहीं। एक्चुअली दादाजी के केस में यही हुआ था कि वो कावेरी से प्यार करते होते हैं, लेकिन उनकी शादी हो जाती है दुर्गा से, और फिर भी वो दुर्गा के साथ काफ़ी साल तक रहते हुए जब एक बेटा भी हो जाता है जो आज मेरे फादर है बलदेव, तो जब वो हो जाते हैं तो एक बार दुर्गा उनको चीट करते हुए पकड़ देती है, तो उसको निकालने लग जाती है कावेरी को।
तो उस टाइम पे जो मनोहर होते हैं वो कहते हैं कि अगर ये जाएगी तो मैं भी जाऊंगा साथ में, तो चले जाते हैं। बट जब जिस दिन उनके बेटे का बर्थडे होता है उस दिन वापस वो घर आते हैं और कावेरी से शादी करके आते हैं। तो घर में बहुत ही तूतू मैं होती है, लड़ाई झगड़ा दोनों कावेरी में और दुर्गा में दोनों में बहस होती है। मैं थोड़ा मतलब मनोहर जो होते हैं वो थोड़ा ड्रंक स्टेज में होते हैं तो वो जा करके अपने कमरे में चले जाते हैं। जब वो रिटर्न आते हैं तो देखते हैं कि दुर्गा के हाथ में बंदूक है और उसने पॉइंट किया हुआ है कावेरी की तरफ, और वो आकर के रोकने की बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो चीज़ रोकने की कोशिश करते हैं। इतने में मनोहर के हाथ से ही वो ट्रिगर दब जाता है और मनोहर ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। भाई कृष तो अपनी दादी को फिर से ठीक करना चाहता है, इसीलिए उसने बिंदिया और पायल की मदद से इस सीन को अपनी दादी के सामने फिर से दोहराया। अब देखना होगा कि क्या इस सीन का असर कृष की दादी पर होगा और क्या कृष की दादी ठीक हो जाएंगी। मुंबई से कैमरामैन स्वप्निल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें और हाँ कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।